या मेरी कहानी अलग ही है, इसकी अलग कहानी है, मेरी अलग कहानी, बिल्कुल मेरा इंतजार वाला कहानी है, इसका फास्ट फॉरवर्ड फास्ट है। लेकिन मैं रात को 11:30 बजे मेरे पास गाना है, मैं डांस ऑलरेडी कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, स्ट्रेचिंग कर रहा था, स्पीकर मेरे सामने था और गाना मेरे पास आया। जैसे उन्होंने बोला अरिजीत है, मिथुन है और मोहित सर है, तो मुझे लगा ये डेडली कॉम्बिनेशन है, एक बार गाना सुन लेते हैं। और स्ट्रेचिंग करते हुए मैं गाना सुन रहा था एंड ये गाना ऐसा है कि ऐसा ग्रो होता है और उसी टाइम पे लगा कि यार ये गाना तो करना है, बिकॉज इतने म्यूज़िक वीडियोस के कॉल आते रहते हैं और यू नो अभी तक इससे पहले एक भी वीडियो मैंने नहीं किया है और मेरे फिल्मों के गाने अच्छे चले हैं खामोशियाँ, तो मेरे लिए हमेशा था कि एक वीडियो जो आए वो बहुत ही अच्छा हो। और उसके बाद ही मैंने, मुझे लगा कि ये गाना तो किसी भी हालत में जाना नहीं देना है। और उसके बाद देबिना शूट के ख़त्म करके वो वापस आई और उनको मैंने सुनाया, तो आई मीन हम दोनों को लगा कि यार इससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरी कहानी बहुत अलग थी। व्हेन आई फर्स्ट हर्ड द सॉन्ग, पहले तो मैंने कहा यू नो लाइक गुरमीत सेड, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ के ऑफ़र आते हैं बट आई एम वेरी पिकी एंड चूजी, क्योंकि मुझे हर कुछ कोई गाना नहीं करना है। सो हमने पहले मुझे गाना सुनाओ एंड बिफोर आई इवन न्यू अरिजीत सिंगिंग इट, कौन क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने सिर्फ कहा गाना सुनाओ एंड आई डिडंट इवन हियर हाफ ऑफ द सॉन्ग एंड आई वाज लाइक आई एम ऑन बोर्ड, आई वाज लाइक आई एम डूइंग दिस। ऑफकोर्स उसके 2 महीने बाद ये शूट हुआ, तो गुरमीत तो शूट से 3 दिन पहले आया, मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी 2 महीने तक कि शूट होगा, अब होगा, अब डिले हुआ, अब डिले हुआ। बट वॉट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड ऑफकोर्स लेटर आई केम टू नो यू नो मिथुन, अरिजीत, ऑल दीज पीपल ऑन बोर्ड, आई वाज लाइक ओ माई गॉड दिस इज लाइक गोइंग टू बी अ ब्लॉक बस्टर। बट या लाइफ में सभी को इंतज़ार होता है किसी ना किसी चीज़ का, और आई थिंक हम एक्टर को भी इंतज़ार होता है एक अच्छा काम करने का, तो आई थिंक ये डेडली कॉम्बिनेशन है। बाकी के एक्टर्स ये गाना देखेंगे तो वो इंतजार करेंगे कि कब हमें ऐसा गाना मिलेगा। नहीं, मुझे लगता है बहुत सालों तक ऐसा गाना आने वाला है। मोहित हैज नॉट येट सीन इट, देबिना हैज सीन इट, जाना पड़ा टू द ऑफिस टू सी इट एंड ऑल्सो दे हैवन सीन इट। ऑफकोर्स मोहित ने गाना सुना, मोहित लव्स टू सिंग, ही लव्स म्यूजिक एंड व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग ही इज लाइक बेबी हिट है, बेबी हिट है। वेल जैसे मैंने कहा कि हर एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो काम क्या करता है, और अच्छे लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको दूसरा काम मिलता है और लोग आपको पसंद करते हैं। हम क्योंकि टीवी इंडस्ट्री से हैं, वहाँ पे अच्छा काम कर चुके हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंधों पे कि हम अच्छा काम दें हमारे फैंस के लिए। वेल जब ये प्रोजेक्ट आया तो हमें लगा कि ये गाना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यू नो इसमें इमोशन है, इसमें एक्टिंग है, इसमें डांस है, गाना अच्छा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। आई थिंक बहुत कम जगह ऐसा होता है कि सारा कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाता है। एज एन एक्टर मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था, और यू नो जब एक अच्छा काम आता है और जो लोगों का रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि कल ही परसों ट्रेलर हमारा लॉन्च हुआ और जो रिस्पॉन्स हमें आया है इट्स अनरियल। आई मीन उस ट्रेलर का ही रिस्पॉन्स हम लोगों ने, इनफैक्ट कल वीडियो हमसे भी रहा नहीं कि हम यू नो वीडियो बना रहे थे और प्रमोशन में जो भी हमने गाना जिस दिन को सुनाया उन सबको पसंद आया। Well, Mithun, I just think we are lucky to be a part of his song. What else do we have to say? I feel extremely lucky that I'm a part of such a beautiful team, and that's everybody included. Mithun, Arijit, Asis, Viral, they have been so awesome with us. Arif, our director. I mean, I couldn't have asked. I think we couldn't have asked for a better team to work with. Everybody included. Everybody. Every single person included. And main bada. यस हाँ, मैं ये बोला था अरिजीत के साथ पहले उन्होंने मेरे फिल्म का गाना गाया, मिथुन ने इससे पहले मेरे फिल्म का गाना कंपोज किया है, लेकिन ये जो गाना है ये आई थिंक ये कुछ और ही है। आई मीन हमने 4-5 दिन तू तो है स्पेशल तो इसके लिए ऑफ कोर्स, और जब आप एज एन एक्टर आप परफॉर्म करते हो
तो यू नो बहुत दफ़ा कम होता है कि जब उस गाने को आप भूल जाते हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, बट ये गाना ऐसा है यार आप बार बार सुन सकते हो, यू नो शूटिंग के बाद हमें लग रहा था हम अभी भी वो गाने वीडियोस लगा के आप गाना सुन रहे होते हो, ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिलता है। इसीलिए कहता हूँ बहुत ज्यादा प्यार मत करो, कोई ना कोई छोड़ के चला जाएगा, ये एवरेज प्यार हाँ बीच में रखो, दिल बहुत ज्यादा टूटता है। वेल ये हमेशा होता है जब आप किसी से बहुत किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव होता है। किसी भी चीज में अगर आप यू नो किसी भी चीज में ज्यादा आप यू नो बहुत ऐसे लोग होते हैं आप घुस जाते हैं वहाँ पे, आई थिंक आपको न्यूट्रल रहना चाहिए और सबको उतना ही प्यार करना चाहिए। I don't think that's true that when you love somebody so much वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। I think ये emotional हुआ बड़ा, देखो इसकी आँखों में आँसू देखो। It's an emotion and it's how अभी breakup हुआ इनका, दिल की तसल्ली के लिए तो बोल दो। I just think love is an emotion, it's an expression and ऐसा कुछ there is no too much or too less when it comes to love. Love is love, you know. And I don't think that's true ki when you love something too much it leaves you and goes away. There are other reasons because of which people go away. So I think actually hamari video mein dekh ke inko malum padega. Exactly. And love always remains, koi aapke life mein ho ya na ho, you always think of those moments with love. So I think that remains with you even if a person is not in your life. प्लीज उनको पूछने दो यार, वो कब से प्लीज आप पूछिए। सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहेंगे गुरु, जैसा कि आपने कहा कि हर किसी को लाइफ में किसी ना किसी चीज का इंतजार रहता है, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू बोथ ऑफ यू, आपसे जानना चाहेंगे लाइफ में अब किस चीज का इंतजार है गुरु, आप दिन सुनाया। जैसे आप एकदम सही कहा, सबको किसी ना किसी चीज का इंतजार होता है, इंतजार कभी खत्म हो नहीं सकता, एक पूरा होगा तो दूसरे का इंतजार होगा। ऐसा इंतज़ार मैं बहुत लगी रहा हूँ कि मुझे अच्छी फैमिली मिली है, अच्छे दोस्त मिले हैं, शुरुआत टीवी से हुआ है, बहुत प्यार मिला है, बहुत सारे फैंस हैं जो बहुत इतना चाहते हैं। तब भी एज एन एक्टर इंतज़ार होता है कि और अच्छे लोगों के साथ काम करो, यू नो और अच्छा काम करो, अच्छा काम मिले, इस चीज़ का इंतज़ार हमेशा रहता है। आई थिंक सभी एक्टर को एक अच्छा काम का इंतज़ार होता है। Yeah, I think like Gurmeet said, I think at this point in my life, like he said, हम बहुत lucky रहे हैं। I've always got good work, good opportunities, and I've got plenty of it. I think मेरे life में अब ये time आया है कि good work के offers कम आ रहे हैं, work का offer ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद ज़रूर आएगा। मुझे इंतज़ार है अच्छे काम का। सिर्फ काम नहीं, अच्छे काम का। That's something that will satisfy my soul and the fact that I'm an actor and I love being one. I just want to do good work. मुझे इंतजार है कि कब when people in this world will change, when people will start acknowledging the world is just becoming a horrible place to live in and people have to change. I'm waiting for that. In every sense, look at our climatic conditions, look at what the world is going through, look at people basically. There's war, there's fighting, there's all of that. Oh God, when will that ever change? Yeah. हाँ जी। किसी चीज़ का इंतज़ार आई थिंक कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, आप वहाँ पे उस इंतज़ार में बहुत कुछ सीखते हो। यू नो जब मैं नया नया यहाँ पे आया था, छोटे शहर से था, यहाँ पे आया और अचानक तुरंत काम नहीं मिला, वो 4-5 साल इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद जब काम स्टार्ट हुआ और लोगों ने पसंद किया, आई थिंक वो जो 4-5 साल का जो टाइम था उसने आपको मुझे बहुत कुछ सिखाया, कैसे ग्राउंडेड रहना है, कैसे किसी से बात करना है। यू नो उसके बाद जब आपको फेम मिलता है तब उसका आप रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक कभी कभी होता है कि आप ट्रेन से उतरते हो और काम आपको मिल जाता है और यू नो आप कहानियाँ सुनते हो कि यू नो वो रिस्पेक्ट नहीं होता है सेट पे, बहुत प्रॉब्लम होते हैं। आई थिंक उस इंतज़ार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आई थिंक इंतज़ार भी बहुत ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल इसी का फीवर है क्योंकि हम दोनों टीवी में अच्छा काम कर चुके हैं और हम दोनों के बहुत अच्छे फैंस हैं, वो हमारी फैमिली की तरह है और पहली बार हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इनके साथ काम करके इतना मजा आया, हमने 4 दिन शूट किया, हम हंसते ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं, हमने बहुत मस्ती की। और सनाया तो मतलब कमाल की है, ये जब
मतलब शूट पे जब हंसती है तो रुकती नहीं है, यू नो, लेकिन हम दोनों ने एक्चुअली, मुझे लगता है कि कल का ट्रेलर के बाद, परसों के बाद, हमारी केमिस्ट्री को लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. आई थिंक बहुत कम टाइम होता है कि इतने छोटे से प्रोजेक्ट में, लाइक प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन इतने कम टाइम में एक केमिस्ट्री अच्छी लगे. आई थिंक हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वेल, मेरे दो लोगों का ज़रूर बहुत बड़ा हाथ है. एक यश चोपड़ा का, क्योंकि फिल्म स्टार बनना था और जब नया नया आया था तो टीवी करना नहीं था, फिल्म एक्टर बनना है. और लकीली मुझे यश जी का नंबर मिल गया, मैंने उनको कॉल कर दिया, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और मैंने उनसे खुद पूछ लिया कि सर यशराज का एड्रेस क्या है. तो उन्होंने मुझे बोला भी, तो मैं यशराज का एड्रेस नहीं मालूम है, यू नो, मैं नया खुद था. और उन्होंने मुझे बुलाया और वो मेरे साथ बैठे और 3-4 बार हम मिले. तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी यश जी ने कि गुरमीत, आप क्यों ना टीवी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि टीवी एक ऐसा मीडियम है और आने वाले उस टाइम पे, आई मीन 10 साल पहले उन्होंने बोला था, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप टीवी पे इतना अच्छा काम करो कि लोग आपको फिल्मों से यू नो टीवी से फिल्मों में ले लें. और एग्जैक्टली वैसे हुआ. और मैंने शिद्दत से काम किया, मेहनत से काम की, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने कामों में. टीवी में वहाँ पर बड़ा होता गया और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. महेश भट्ट और मोहित सूरी का एक्चुअली आज उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. और फिल्मों में लाने का सबसे बड़ा हाथ मोहित सर का है, बिकॉज मैं साउथ अफ्रीका में था और मुझे वहाँ अवार्ड मिला उनके सामने. और जो साउथ अफ्रीका में बहुत फैंस हैं और जिस तरीके का हमें रिस्पांस मिला, एंड मोहित सर ने महेश भट्ट को कहा कि ये लड़का है, आई थिंक इसको लेना चाहिए फिल्मों में. और उसके बाद मुझे यू नो फिल्मों में एंट्री मिल गई. और टीम आ चुकी है, इंतजार, हैशटैग इंतजार. अभी आपने सोशल मीडिया पे तो धमाल मचा दिया. अभी आप देखिए कल रिलीज के बाद. थैंक यू. हाँ तो पीछे आ जाओ और पीछे. Everybody here? Done. Thank you so much. Thank you. What's next? You are only.